जगबाणी टीवी देख रहे सारे दर्शकों सत श्री अकाल। मैं हरप्रीत सिंह जसवाल। पंजाब दे विच पश्चिमी डिस्टर्बेंस के कारण वैस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पिछले कई दिनों तो मीह का माहौल बनया हुआ है। कई जगह के उत्ते गड़ेमारी भी हुई है, कई जगह के उत्ते मीह पै रहे हैं, तेज़ हवावां के नाल नेरी झक्खड़ भी चल रहे हैं। पंजाब के मौसम का ताज़ा हालात की ने, ये गल करन दे लई साडे नाल पंजाब मौसम विभाग के डायरैक्टर सुरेंद्र पॉल जी ने, उन्हां नाल गल करदे आ अते उन्हां तों जाणदे आ कि आने वाले दिनों के मौसम किहो जिहा रहेगा, तो यह बारिश का दौर हले होर किन्ने दिन चलना, तो की सानूं सावधानियां बरतन की जरूरत आ। सुरेंद्र पॉल जी स्वागत है। धन्यवाद जी। सुरेंद्र पॉल जी, जिहड़ा ये मौसम के एकदम चेंजस आई है, क्योंकि पिछले दिनों के धुप खिली रही है तो हूँ जिहड़ा बारिश चल गई, यह किवें होया? देखो, ये पश्चिम विक्षोभ करके हैगा जिहड़ा इस वक्त एक्टिव हैगा, और इस टाइम तुसीं वेख रहे कि पंजाब विच ये जिहड़ा इलाका हैगा इत्थे इस टाइम ते विक्षोभ हैगा। नॉर्थ ईस्ट जिहड़ा पंजाब है उत्थे इस टाइम चंडीगढ़, रूपनगर, मोहाली ना इलाके विच मीह पै रिहा, और जिहड़ा अज रात नूं जिहड़ा है पूरे बाकी हिस्से विच पंजाब विच मीह पै, ये कंटिन्यू करूगा अज। ठीक है जी, अज पूरा दिन कंटिन्यू करूगा। तुम दस रहे हो कि अब पूरा दिन इस तरह बारिश ने चलते रहना, कई जगह तो गड़ेमारी की भी खबर आ रही है, किहड़े किहड़े पंजाब के जिले ने, कित्थे कित्थे गड़ेमारी? देखो, पंजाब जिहड़ा हैगा अमृतसर गड़े पे, जलंधर, कपूरथला, इधर फजिलका, फरीदकोट, इस बैल्ट जिहड़े गड़े कई थावां ते पए हैगे, और अज भी संभावना हैगी कि कुछ थावां ते अज भी जिहड़ा हैगा गड़े अते मीह पै सकदा है, और कल तो फिर जिहड़ा हैगा मौसम फिर सुधार होगा, इहदे विच फर्क पै जाऊगा फिर। लेकिन उस तों बाद फिर तो एक पश्चिम विक्षोभ 11-12 तरीक नूं लग रहा है कि वह फिर तो पंजाब विच मीह पाऊगा, लेकिन फिलहाल जिहड़ा ये वाला जिहड़ा सिस्टम हैगा, जिहड़ा मीह चल रहा और नेरी चल रही है और गड़े चल रहे, ये घट्टो घट्ट अज चलूगा सारा दिन, रात नूं और सवेर नूं कटूगा। तो ये क्योंकि करोना वायरस की जेकर असं गल करिए, फिर तो ठंड के कहते करोना वायरस होर ज़्यादा तेजी के नाल फैलता, कोई कई जिलों के इंडिया के भी दस्तक हो चुकी है करोना वायरस की, कई मरीज़ जिहड़े पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये मौसम उस चीज़ को ज़्यादा प्रफुल्ल करते? देखो, ये तो जिहड़ा हैगा वो मेडिकल एक्सपर्ट दसणगे, लेकिन ये जरूर हैगा क्योंकि टेंपरेचर ज़्यादा नहीं बदलेंगे। ठीक है, वो जोड़ा टेंपरेचर मीह करके, क्योंकि हूँ पिछले तुम देख रहे कि 36 घंटों तो मीह पै रहा, वो करके टेंपरेचर नहीं बन रहे, और फिर 11-12 तरीक न फिर तो डिस्टर्बेंस हैगी है, तो ओवरऑल जोड़ा है टेंपरेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना बहुत घट हैगी है। उद्देश्य जोड़ा हैगा ये वायरस जोड़े है उन्होंने जोड़ा है फेवरेबल जोड़ा टेंपरेचर मिलता है, तो वो करके जोड़ा उन्होंने लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाता। बाकी तो जोड़ा है मेडिकल एक्सपर्ट दसणगे कि किन्ना इंपैक्ट होगा। तो होर कितने नेरी तूफान झक्खड़ जोड़ा है कितने कितने आने की उम्मीद जताई? अज जोड़ा है पंजाब नॉर्थ, पंजाब नॉर्थ वेस्ट सारा, और एक दो थावान जोड़ा साउथ वेस्ट पंजाब भी आऊगा, और कल तो ये सिग्निफिकेंट चेंज हो जाऊगा, कल तो मौसम जोड़ा दोपहर बाद जोड़ा खुलना शुरू होगा और उस तो बाद फिर खुल जाएगा। तो जी, तुसी पंजाब की गल की, हरियाणा की गल की, फसलों के लिए ये मीह गड़ेमारी तो चलो कितने भी चंकी नहीं मनी जाती, लेकिन ये जोड़ा मीह है कि फायदेमंद हो? देखो, अगर तो गल करिए कणक की, तो वो वास्ते तो मैंने लगता है कि मीह का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो बीमारियां, और तो दूजी गल है कि टेंपरेचर भी घटते हैं मीह करके, और तीजा मीह का बहुत बड़ा फायदा है कि साडा पानी जिहड़ा जमीनी तौर पर भी पानी का असर हो जाता, ये पानी जिहड़ा है जमीन पर ज़्यादा जाता हों, जिन्ना कि गर्मियों का असं देखते हैं मीह पैंदा है, तो उदे करके तो फायदे है बहुत। नुकसान ये हो सकता है कि नेरी जो चलती हैगी है और गड़े होंगे, वह कोई बहुत कोई इमीजिएट कोई समाधान नहीं है, पर जरूर नुकसान हो सकता कुछ ना कुछ। अच्छा, कोई किसान मौसम विभाग वालों एडवाइजरी जारी की जा रही है इस संबंध में कि किस एरिए होर गड़ेमारी हो सकती है, फसलों को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अज असी अपना अज ही एडवाइजरी भेज रहे हैं, और पिछले कल भी असी सारे ने एडवाइज़ किया हुआ, सरकारों ने भी दसिया हुआ कि जो अगले दो दिन जो है काफ़ी खराब रहेंगे, वर्खा पेगी, मीह पेगा, मीह तो बाद गड़े पेगे, हवा भी चलूगी, यह सारा असं पहले बिल्कुल तेज़ नेरी करके असं एडवांसली बहुत एडवांस जोड़ा है सारे कंसर्नस किसानों और सरकारों दसिया हुआ। अच्छा, बच्चों के पेपर चल रहे, कई स्कूलों के छुट्टियां भी हो चुकी ने, लोग पहाड़ों पर हले भी बर्फबारी देखने जा रहे हैं, कितने होर बर्फबारी होने की संभावना? बिल्कुल हैगी, अज तो चलूगी पहाड़ों में भी बर्फबारी, क्योंकि डिस्टर्बेंस हैगी है उसके करके, तो अज तो डेफिनेटली मीह पेगा और बर्फबारी पहाड़ी इलाके में होएगी, तो मैंने लगता कि अज तो घट्टो घट्ट वेख के चलना, उस तो बाद फिर कल तो जिदा मैं कह कि मौसम उत्थे भी खुलना शुरू होगा, कल दोपहर या शाम तक उत्थे भी क्लीयर हो जाना, उस तो बाद जो टूरिस्ट है उन्होंने वास्ते उत्थे भी चंगा है। जो तुम 11-12 तरीक की फिर गल कर रहे हो कि तेज़ हवावां, नेरी, झक्खड़, तूफान, इदा का मौसम फिर बन जूगा, गड़ेमारी भी हो सकती है कई जगह के उत्ते, तो 11-12 तो बाद किन्ने दिन लगातार जोड़ा ये
वैस्टर्न डिस्टर्बेंस चलती रहेगी तो फिर जो समान मौसम होने दिन कि दिन लग जाएगी? देखो 11-12 तो वह भी लगभग 2 दिन का अंदाजा असं देख रहे अज तक, बाकी हम अपडेट भी करा तो, लेकिन 2 दिन का लग रहा। उस तो बाद फिर एक डिस्टर्बेंस मैंने लगता होर मार्च में आऊगी। अच्छा, फिर जोड़ा है फिर मैंने लगता कि अप्रैल कुछ देर रिलीफ मिलेगा डिस्टर्बेंस करके, लेकिन अज तक मार्च में संभावना होर भी हैगी है, 11-12 तो हैगी हैगी, उस तो बाद होर भी संभावना है कि मीह पैण की संभावना हैगी। ठीक है, ये सुरेंद्र पॉल जी जिन्होंने सानू दसिया कि आने वाले समय के गड़ेमारी और तेज़ हवावां दे नाल नेरी झक्खड़ भी झुल सकते हैं, जिस दे नाल गड़ेमारी दे नाल तेज़ हवावां फसलों के उत्ते नुकसान जरूर हुंदा, लेकिन धरती हेठले पानी नूं उपर चक्कण दे लई उस दे विच कुछ जिहड़ी वृद्धि हैगी हुंदी आ, उस दे नाल धरती दे पानी नूं वधण दे विच जरूर कि ना कि सहूलत होंगी आ। तो आने वाले दिनों के मार्च के 2 डिस्टर्बेंस जोड़े होर पछम के पास्य आने ने तो जरूर पंजाब मौसम के तब्दीली लैके आएंगे, लेकिन कोई बाली ज़्यादा खतरे वाली गल नहीं, लेकिन जी तेज़ हवावान जो गड़ेमारी होनी है तो वह चीज़ जरूर नुकसान पहुँचाऊगी। हरप्रीत सिंह जसवाल, पंजाब केसरी जगबाणी टीवी, चंडीगढ़।